आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो इसके पहले वाले चैप्टर्स में या इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ मध्यम सी वेक्टर्स की बात कर ली थी। क्या थी वेक्टर्स की बात? कि जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और जो ओबे करते हैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, जो ओबे करते हैं वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, इन सभी खिलाड़ियों को क्या बोलते हैं, जो ये तीनों चीज़ों फॉलो करते हैं उन क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर्स। जैसे मैंने कहा था आपको कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देर आर सो मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर देयर। बट सबसे बड़ी बात ये थी कि जो डायरेक्शन तो हो ही हो, फिर मैग्नीट्यूड भी हो, और ये तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब जितने भी वेक्टर्स थे, ऑल वेक्टर्स हैव डायरेक्शन। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिन वेक्टर के पास डायरेक्शन हो, जिन क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो। उनका वेक्टर क्वांटिटी होने का केवल एकमात्र उपाय है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करें, फॉलो करें। अब ये बहुत मध्यम सी बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो वेक्टर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन मेनली हमारे पास जो भी पॉइंट्स है वो इस प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मैं 2π डिग्री, इफ एनी वेक्टर इज रोटेटेड 2π रेडियन और 360 डिग्री, देन द वेक्टर विल रिमेन्स द सेम, वेक्टर विल रिमेन्स द सेम वेक्टर रहेगा। जैसे अगर मैं ये वेक्टर है जो कि 37 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसको अगर मैं 360 पूरा का पूरा एक बार रोटेट करवा दूं, तो ये रोटेट होकर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर, देयर इज नो चेंज इन द वेक्टर। वेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि उसको हमने 2π रेडियन या 360 डिग्री पर रोटेट किया है। अब वेक्टर इसमें लिखा है, ऑन रोटेटिंग 2π वेक्टर इट विल नॉट चेंज, इट डजेंट चेंज, तो किताबी डेफिनेशन कैसे भी हो सकती है। सेकंड है अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का अगर उसने पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो ये 100% श्योरिटी है कि जो दोनों के बीच का एंगल होगा वो ये कभी नहीं होगा, ये होगा ये वाला एंगल। यानी हमेशा the angle between the two vectors is always less than 180 degree, or we can say that दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी
180 डिग्री नहीं होगा या कभी भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा। एक रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, कभी भी एक रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा जब मैं दो वेक्टर्स को व्हेन टू वेक्टर्स आर जॉइंड टेल टू टेल। मैंने आपको बताया था कि यह पूंछ से पूंछ मिलाओ, इसको बोलते हैं टेल। तो जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, और ये एंगल ऑलवेज लेस देन 180, या तो जीरो भी हो सकता है, जीरो और 180 के बीच में, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थीटा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन 180, ऐसे लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन 180, यानी या तो जीरो हो, या तो जीरो से बड़ा हो, या 180 से छोटा हो, 179 डिग्री है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी भी, हाँ, और एक काम कर लो, इसको 180 इक्वल टू भी कर लो, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 भी हो सकता है, ऐसे खेल लो। तो द एंगल विल नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, और इट इज ऑलवेज लेस देन 180 डिग्री। छापो। ओके, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, ये हमारा दूसरा पॉइंट था, हमारा तीसरा पॉइंट है वी कैन शिफ्ट द वेक्टर, वी कैन शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली, यानी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देता हूं, यहां देता हूं इसका एग्जाम्पल, जैसे ये एक वेक्टर है, सॉरी ये एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन है, या कार्टेशियन प्लेन है, और यहां पर एक वेक्टर खड़ा हुआ है यहां से 37 डिग्री पर। तो अभी मजा नहीं आ रहा इसको करके, देख के, तो मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा ऐसे, और ये वही वेक्टर ए वेक्टर यहां पर आ जाएगा। अब देखो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा है कि इसके साथ क्या हो सकता है। तो आप पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पैरेलल शिफ्ट करना है, यानी ए वेक्टर, आप यू नहीं कर सकते, आपको डायरेक्शन सेम रखना पड़ेगा, मतलब पैरेलली शिफ्ट करना है ऐसे, ए वेक्टर शिफ्टिंग पैरेलली होना चाहिए। तो इन वेक्टर्स द पैरेलल शिफ्ट इज अलाउड, यानी पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। छाप लो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको फाइंड करना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या क्या हैं। तो हमें निकालना है, अगली हेडिंग रहेगी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हेडिंग लगा लो, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो सबसे पहले निकालते हैं इस वाले का, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल 37 डिग्री, ठीक। एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, ठीक। फिर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। एक ये वही हमारा कार्टेशियन प्लेन है,
यहाँ से 45 डिग्री ए है, यहाँ से 30 डिग्री बी है, और यहाँ पर आ रहा है सी, यहाँ से 45 डिग्री। तो हमें निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए बी, बी सी एंड सी ए। करो, देखो यार, इन दोनों के बीच का एंगल देखने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टेल से टेल मिलाओ। क्या करो, टेल से टेल मिलाओ। अगर ऐसा हो जाए बस खेल लो। क्या इन दोनों की टेल से टेल मिली हुई है? हाँ। दोनों के बीच का एंगल बड़ा वाला रहेगा या छोटा वाला रहेगा? छोटा वाला। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 37 डिग्री। अब क्या इनका टेल और टेल मिला हुआ? नहीं, इसका हेड और टेल। इसको करो पैरेलल शिफ्ट। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है। अब टेल से टेल मिल गई, हाँ, ये एंगल कितना होगा? ये 120, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब देखो, इसका हेड से हेड मिला हुआ है, तो या तो इसकी पैरेलल शिफ्ट कर लो आगे की तरफ, या पैरेलल शिफ्टिंग कर लो यहाँ। तो देखो, पैरेलल शिफ्ट यहाँ करता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ पैरेलल, तो ये ए तो ये भी है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 30, तो ये भी 30। अब देखो, आपको ये दिख रहा है 45, ये भी 45, ये 45, तो सी और ए के बीच में कितना हो गया? 45 डिग्री। अब ए और बी का निकालना है, तो ये ए है और ये बी है, तो ये वाला एंगल निकाल के देख लो आप कितना होगा। अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो ये हो जाएगा 45 + 60 = 105। अब सी और बी का, तो सी बी का ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो ये कितना है? 45। ये कितना है? 30। ये कितना? 90। तो 45 + 90 + 30 90 + 30 + 45 = 165। तो आंसर आएगा 165। छाप लो। तो समीरा बेटा, आप ये देखोगे ना कि ये वाला जो है वो तो हेड मिला हुआ है और ये टेल है, तो ये एंगल तो हो ही नहीं सकता 165। फिर क्या करें? अरे इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो पैरेलल। अब देखो ये कितना, देखो ये और ये टोटल 45, तो ये टोटल कितना होगा? 45। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। मेरे ख्याल से ये समझ में नहीं आया। देखो मैं समझाता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। देखो ये क्या है, ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ से सी आ रहा था 45 डिग्री पर, यहाँ से बी जा रहा था 30 डिग्री पर। अब हमने पूछा बी और सी के बीच का एंगल, तो आप लोग बोल रहे हैं 165। सर हो ही नहीं सकता। हमने क्या पूछ से पूछ मिलाई? टेल से टेल तो नहीं मिलाया हमने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा आगे की तरफ। तो हमने इसको आगे की तरफ पैरेलल शिफ्ट कर दिया सी। अगर ये 45, तो ये पूरा कितना हो गया? ये 45। अगर ये 30, तो ये 15 + 30 = 45। यानी ए सी और बी के बीच का एंगल, बी एंड सी के बीच का एंगल होगा 15 डिग्री। बी और सी के बीच का एंगल कितना होगा? 15 डिग्री। जल्दी छाप लो। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। अब हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर, हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहला आएगा इक्वल वेक्टर्स, सबसे पहला आएगा इक्वल वेक्टर्स, सबसे पहला आएगा इक्वल वेक्टर्स। लिखो टू वेक्टर्स आर इक्वल व्हेन दे हैव
same direction when they have same direction, comma, when they have same direction, same magnitude, same magnitude and same, ये important है, and same physical quantity, अगर same physical quantity नहीं हुई तो फिर वो same vector या equal vectors नहीं कहलाएंगे। देखो कैसे, अगर ये vector A है तो इस वेक्टर ए के बराबर अगर ये वेक्टर वी होगा तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम होना है, यानी जब मैं टेल से टेल मिलाऊंगा तो एंगल विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री। जब मैं टेल से टेल मिलाऊंगा तो क्या होगा, एंगल विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री, है ना। अरे जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये इक्वल वेक्टर्स होंगे तो डायरेक्शन कुछ भी होगा। हाँ ये इक्वल होंगे, बस ये बशर्ते कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एंड द डायरेक्शन शुड बी द सेम। अगर डायरेक्शन सेम होगा तो हमारा ये दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। छाप लो, इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब यार एक बात देखें कि अगर ये इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो यार ऑब्वियसली ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं, लेकिन पैरेलल की कंडीशन ये होती है कि ये मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकते हैं। मान लो इसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो भी ये पैरेलल तो कहलाएंगे, बस इसकी एक ही कंडीशन होती है कि थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कंडीशन ये है कि थीटा इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ वेक्टर्स भी सेम होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर तब कहलाएंगे जब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी और थीटा बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो। छापो, बहुत बढ़िया, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो वो होंगे इक्वल वेक्टर्स, बशर्ते उन दोनों के बीच का एंगल जीरो होना चाहिए, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यानी दोनों पैरेलल भी होना चाहिए। अभी पैरेलल वेक्टर्स का कहानी और आएगी आगे। अगला है अनइक्वल वेक्टर्स। अभी अनइक्वल वेक्टर्स इतना डेफिनेशन आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अगर दिन का भी डायरेक्शन अलग हो या मैग्नीट्यूड अलग हो, दोनों का डायरेक्शन अलग हो या मैग्नीट्यूड अलग हो तो अनइक्वल वेक्टर्स, तो ये होगा अनइक्वल वेक्टर्स। ये इतने इंपॉर्टेंट वेक्टर्स नहीं है तब भी हमें पढ़ना है कि अगर एक का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है ए और एक का जा रहा है बी, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, अनइक्वल वेक्टर्स होंगे, सिंस ईदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स आर डिफरेंट देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर्स। लिख लो, तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। लिखो, हेडिंग लगाओ पैरेलल वेक्टर्स। इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर हमने कहा थर्ड वेक्टर की बात करें तो वो है पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स की कहानी है कि टू वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो बस, यानी दोनों के पूंछ से पूंछ मिलाने पर थीटा की वैल्यू कितनी आए, जीरो। अगर थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, इफ थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, इफ थीटा बिटवीन द टू वेक्टर इज जीरो, देन दीज
then these vectors are called parallel vectors. हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो चलेगा. द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट कैन बी डिफरेंट बट द डायरेक्शन शुड बी सेम. छापो. अच्छा, गुड, वेरी नाइस. अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल के बाद फोर्थ वाला हमारे पास आएगा एंटी पैरेलल. कौन सा आएगा? एंटी पैरेलल. तो फोर्थ वाला है हमारे पास एंटी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्या खास बात कि थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स शुड बी 180 डिग्री. देन द टू वेक्टर्स आर नोन एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स. अब देखो क्या है, भले ही मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स कैन बी डिफरेंट. कैन बी डिफरेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ए इधर जा रहा है तो एक बी इधर जाएगा वेक्टर. इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा कि पूछ से पूछ मिलाओ तो डायरेक्शन अपोजिट आए, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री. छापो. हेडिंग लगाएंगे अगला, कोलीनियर वेक्टर्स. कोलीनियर नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कोलीनियर का मतलब क्या होता है. पांचवा वेक्टर है हमारे पास कोलीनियर वेक्टर. कोलीनियर वेक्टर यार, कोई वेक्टर एक ही लाइन में आए, एक ही लाइन ऑफ एक्शन में आए. तो अगर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एक ही लाइन में आ रहे हैं, अभी पैरेलल में क्या चल रहा था, इधर भी आ सकता था, अब यहाँ एक ही लाइन में आना चाहिए, तो क्या होगा? कोलीनियर वेक्टर्स. और सिक्स्थ है हमारा को प्लेनर वेक्टर्स. को प्लेनर वेक्टर्स. अब को प्लेनर वेक्टर जो होते हैं वो एक प्लेन पर आए. एक प्लेन कैसे, देखो बताता हूँ. जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन है ना, एक प्लेन है. इस प्लेन पे दो वेक्टर्स आएंगे, कोई से भी दो वेक्टर्स. तो देखो मैं बताता हूँ आपको दो वेक्टर्स कैसे होंगे. पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर. तो सबसे पहले काम करते हैं, ये एक वेक्टर है, देखो ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर, दोनों सेम वेक्टर है, इक्वल है. तो अगर मैं इन दोनों के एंगल कैसे भी रख दूँ 90 डिग्री, तो ये एक ही प्लेन पे आएंगे. अगर मैं ऐसे रख दूंगा तो ऐसे तो नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे आ जाएंगे. यानी हमेशा ऑलवेज दो वेक्टर सेम प्लेन पे आते हैं. लेकिन अगर मैं तीसरा वाला भी इंट्रोड्यूस कर दूँ, तीसरा वाला इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो ये सेम प्लेन पे नहीं आ रहा है. देखो ये अलग अलग प्लेन पे आ रहा है. देखो ये एक प्लेन पे ये दोनों आ रहे हैं, एक प्लेन पे ये दोनों आ रहे हैं, एक प्लेन पे ये दोनों प्लेन पे आ रहे हैं. लेकिन अगर ऐसा हो कि ये सभी एक प्लेन पे आ जाएं, देखो तीनों सभी एक प्लेन पे आ जाएं, तो क्या होगा? कोप्लेनर वेक्टर होंगे. कोप्लेनर वेक्टर. देखो अगर ये तीनों ऐसे हैं तो ये अलग अलग प्लेन पे हैं, लेकिन अगर ये तीनों ऐसे हैं तो ये हैं एक प्लेन पर. एक प्लेन पे तीनों आ गए तो ये होंगे कोप्लेनर वेक्टर्स. तो व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स
आर ऑन सेम प्लेन देन दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर्स। छापो। इसके बाद है हमारे पास कॉनकरंट वेक्टर्स। सेडिंग लगाएंगे हम कॉनकरंट। फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स के बाद आएगा सेवन्थ आएगा कॉनकरंट वेक्टर्स। तो कॉनकरंट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं वो देखें। तो जो वेक्टर व्हेन टू और मोर देन टू वेक्टर्स इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट या स्टार्ट एक पॉइंट से हो और सेम लाइन ऑफ एक्शन देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड कौन करंट वेक्टर्स। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये ए की लाइन ऑफ एक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं इस पॉइंट से। या एक ए है, ये ए बी है और ये सी है। नेक्स्ट है, लास्ट है यूनिट वेक्टर। इसके बाद जीरो वेक्टर। तो पहला सेवन्थ के बाद एट्थ पार्ट आता है हमारा यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर का मतलब, यूनिट का मतलब होता है वन व्हेन द वेक्टर इज डिवाइडेड बाय द वेक्टर इटसेल्फ। यानी व्हेन एक वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर दो तो बनता है यूनिट वेक्टर, यानी जिसकी वैल्यू वन हो। अ वेक्टर व्हेन अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन, हुज मैग्नीट्यूड इज वन देन इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। देन इट इज नोन एज यूनिट वेक्टर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऊपर लगा हुआ होता है ना, ये ऊपर जो लगा हुआ है जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के ऊपर ये जो लगी रहती है इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। छाप लो। आता है इसके बाद आता है बेटा जीरो वेक्टर। और एक बात ध्यान रखना, जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हुज वैल्यू इज जीरो, जिस वेक्टर की वैल्यू जीरो हो ये वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। और ये एक्चुअली किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इस वेक्टर की खास बात यह है कि ये वेक्टर कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन पर बनाया जा सकता है। इसका कोई आर्बिट्री डायरेक्शन नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन नहीं है।
कोई से भी डायरेक्शन में चल सकता है। इसकी वैल्यू वन होना चाहिए। सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेक्टर एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न। आज के लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर जो था वो था यूनिट वेक्टर। इसकी और खासियत हम आगे चल के पढ़ेंगे। छाप लो। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।